एक दिन बदल रहे हैं। इस विद्यालय में 4,80,00,000 रुपए के विकास कार्य प्रारंभ हो जाने के कारण अब नवोदय विद्यालय का कायाकल्प हो रहा है। पहले जीर्ण शीर्ण हालत में दिखाई देने वाले नवोदय विद्यालय किसी बड़े और सुंदर होटल जैसे दिखाई दे रहा है। वहीं अब छात्रों को खारे पानी से निजात मिल रही है। जवाहर नवोदय विद्यालय कौलहारा कला के प्राचार्य सुखवीर सिंह ने बताया कि विद्यालय के चेयरमैन, जिलाधिकारी आगरा एवं उप जिलाधिकारी फतेहाबाद के अथक प्रयासों से विद्यालय के विकास के लिए 4,80,00,000 रुपए का बजट शासन से स्वीकृत करवाया गया था। इस धनराशि से जगह जगह टूटी पड़ी बाउंड्री वॉल को दुरुस्त करवाया गया, बाउंड्री वॉल को ऊंची करवाया गया ताकि कोई भी बाहर और अंदर प्रवेश ना कर सके। इसके अलावा भोजनालय, छात्रावास, कर्मचारी आवास जो जीर्ण शीर्ण हालत में था उसकी मरम्मत करवाई गई। सबसे पहले तो मैं डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को इसका धन्यवाद देता हूँ। हमारे चेयरमैन डीएम साहब, एसडीएम, नॉमिनी चेयरमैन और इसके जो मेरा स्टाफ है वो बहुत ही होनहार स्टाफ है यहाँ का। इसके अलावा जो लोकल लोग हैं जैसे प्रधान है, लोकल मीडिया के लोग हैं, वो सब मेरे से जुड़े हुए हैं और उनके सबके सहयोग से और उन्होंने जो मुझे एनर्जी दी पॉजिटिव उसके सहयोग से सब ये काया पलट। यहाँ रुकते हैं छोटा सा ब्रेक के लिए, जल्द